आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पे इजीली बना सकते हैं कैन कैन स्कर्ट। सबसे पहले फैब्रिक को लेंथ वाइज और फिर विड्थ वाइज फोल्ड कर लीजिए। हमने यहाँ पे टाफ्टा फैब्रिक यूज किया है, आप चाहें तो कॉटन भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस पर ए लाइन स्कर्ट की मार्किंग करेंगे। स्कर्ट लेंथ आप अपने अनुसार मार्क कर लीजिए। यहाँ स्कर्ट की लेंथ में 3 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। स्कर्ट फ्लेयर या घेरे को इस तरीके से कर्व में मार्क कर लीजिए। अब स्कर्ट की वेस्ट लाइन मार्क कर लीजिए। हमने इसे ड्रॉ स्ट्रिंग यानी नाड़े वाली स्कर्ट बनाया है ताकि इसे अलग अलग साइज के लोग आसानी से पहन सकें। अब वेस्ट लाइन के पॉइंट को ए शेप देते हुए नीचे हेमलाइन यानी घेरे से ज्वाइन कर दीजिए। मार्क की गई लाइंस पर कटिंग कर लीजिए। अब इस स्कर्ट की बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट का साइज आपकी वेस्ट साइज के इक्वल होगा और इस बेल्ट की चौड़ाई 3.5 इंच या 4 इंच भी हो सकती है। अब स्कर्ट की सिलाई स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ आपके फैब्रिक की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहेगी। स्कर्ट की लेफ्ट साइड की सीम लगाते वक्त ऊपर से 3 से 3.5 इंच छोड़कर सिलाई लगाना शुरू कीजिएगा। दोनों तरफ की साइड सीम्स लगा लीजिए। अब लेफ्ट साइड की साइड सीम के ऊपर छोड़े हुए मार्जिन को फोल्ड कर लीजिए। अब स्कर्ट के फ्लेयर पर बुकरम पट्टी ऐड करेंगे। बुकरम रोल को खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर इसे खरीद सकते हैं।
पट्टी को अच्छे से फिक्स करने के लिए इस पर 2 से 3 सीम लाइंस आप और लगा सकते हैं। बुकरम पट्टी लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में बेल्ट को स्कर्ट के साथ स्टिच करेंगे। बेल्ट पट्टी को अटैच करते वक्त शुरुआत और अंत में थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दीजिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करके फिनिश कर लीजिए। अब बेल्ट को फोल्ड कर इस पर टॉप सीम लगा लीजिए। फिनिशिंग के लिए टॉप सीम से एक पैर यानी हाफ प्रेशर फुट की दूरी पर एक और सीम लगा लीजिए। अब कैन-कैन की कटिंग करेंगे। कैन-कैन की लेंथ को हाफ कर लीजिए। अब इन दोनों हाफ पीसेस को आपस में जोड़कर एक लंबी कैन-कैन की प्लीटेड लेयर बनाएंगे।
यहाँ हमारी टोटल कैन 6 मीटर्स है, जिसको प्लीट करने के बाद 2 से 2.5 मीटर रेडी कर लेंगे। कैन की लेंथ 19 इंच है। कैन के दोनों पीसेस को आपस में स्टिच कर लीजिए। कैन को नीचे से आधा इंच फोल्ड कर फिनिश कर लीजिए। अब गहरी प्लीटिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप अंदाजे से प्लीटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट बराबर प्लीट्स बने, कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। पूरी कैन को प्लीट करने के बाद स्कर्ट पर इसकी प्लेसमेंट को मार्क कर लीजिए। आप चाहो तो मेजरिंग टेप से मेजर कर लो, या इजी ऑप्शन है कि कैन को स्कर्ट पर प्लेस कर आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। अब प्लीटेड कैन को मार्क की हुई लाइन पर सिल लीजिए। आपकी कैन स्कर्ट रेडी है। ये एक बेसिक कैन स्कर्ट है। आपको इससे भी ज्यादा फ्लेरी कैन स्कर्ट चाहिए तो आप स्कर्ट को ए लाइन ना बनाते हुए
इसे कलियों में बना सकते हैं जिससे ज्यादा फ्लेयर आ जाएगा और उस पर कैन कैन की मात्रा भी आप ज्यादा यूज कर पाएंगे। आप इसे अपने गाउन, अनारकली और स्कर्ट्स के नीचे पहन सकते हो। क्योंकि इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो याद से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।